हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सारा अली खान की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर बात करूंगा आप लोगों के सामने। यानी सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की थी और वो पोस्ट था आज से 6 दिन पहले। पर उस पोस्ट का जो कुछ बातें था, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए लिखा गया था स्पेशली, वो बात एक बार गौर करने वाली है। यानी अगर आप दिल से सुशांत सिंह राजपूत को मोहब्बत करते हैं तो डेफिनेटली वो जो बातें हैं, वो बातें कहीं ना कहीं आपको एक बार आपकी माइंड में थोड़ा सा एक झंझनाहट महसूस कराएगा कि एक्चुअली जो बातें कहा गया है ये क्या मैं पॉजिटिवली लूं या फिर किसी और एंगल से लो। तो चलिए पहले एक बार हम देख लेते हैं कि सारा अली खान ने एक्चुअली ऐसा क्या पोस्ट किया जो पोस्ट देख के इतने सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो वो पोस्ट को एक बार आप लोग देख लीजिए। तो यही वो फोटो है जो फोटो को पोस्ट किया गया था सारा अली खान की इंस्टाग्राम अकाउंट से, जहां पे आप सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान को देख पा रहे, जो कि केदारनाथ मूवी की शूटिंग के टाइम शायद लिया गया था और उसी शूटिंग की कुछ बातें को याद भी किया था इस पोस्ट के जरिए। पर आखिर का जो कुछ बातें था वो ही बातें कहीं ना कहीं दिमाग में, जैसे कि मैंने कहा कि डबल क्वेश्चन आपके मन में लेके आएगा ही। तो अब जो फोटो आपके सामने है ये ही फोटो है सारा अली खान की किया हुआ वो बात, जिसमें लिखा गया है कि 4 साल पहले उनकी एक ड्रीम जो कि सच हुआ था, उसी के साथ साथ अगर केदारनाथ वाली जो भी घटना था, केदारनाथ की वो दिन में अगर लौट जाते तो ऐसे केदारनाथ की यादों को उन्होंने फिर से दोहराया था इस पोस्ट के जरिए। पर इस पोस्ट को लेके जो हंगामा हुआ था वो था इस जगह पे, जिस जगह पे लिखा हुआ है जय भोलेनाथ हैशटैग करके, उसी के नीचे से। और जैसा कि आज रात पूरा चांद चमक रहा है, मुझे पता है कि सुशांत ठीक अपने पसंदीदा चांद के पास है, उस चमकीले सितारे की तरह चमक रहे हैं, वो हमेशा था और हमेशा रहेंगे, केदारनाथ से एंड्रोमेडा तक। और यही जो बात है, ये बात कहीं ना कहीं, मैं किसी को फॉल्स होप नहीं देना चाहता, पर अगर आप इस बात को थोड़ा सा दूसरी टाइप से लेंगे तो बहुत सारा मतलब निकल के आते हैं। वैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ मून यानी चांद का क्या संपर्क था वो आपको नया करके बताने की जरूरत नहीं है अगर आप एक ट्रू एसेसारियन है तो। मतलब सुशांत सिंह राजपूत अपने खुद के चांद के यानी अपने सबसे पसंदीदा चांद के पास है, अपने पसंदीदा चांद यानी हमारी पूरी ये सोलर सिस्टम में सबसे पसंदीदा चांद उनको लगता था हमारी ही जो सैटेलाइट है यानी मून, और जिसके कारण उन्होंने मून पे लैंड भी खरीदा था। मतलब आप सोच के देखिए कि उनको उस चांद से कितना प्यार था कि उन्होंने मून पे एक लैंड भी खरीद लिया था। मतलब उनका पसंदीदा सैटेलाइट था हमारा मून। तो इस बात को अगर हम नेगेटिव एंगल पे ले, हालांकि मैं किसी को फिर से कह रहा हूं कोई भी फॉल्स होप नहीं देना चाहता, पर पता नहीं कहीं ना कहीं दिल में कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव ख्याल्स आते हैं दोस्तों। बस सुशांत भाई को प्यार करता हूं, सुशांत भाई से बेहद प्यार करता हूं। जब भी मैंने वो पोस्ट देखा था मेरे गुजबम्स आने लगे थे कि अगर ये बात की मीनिंग कुछ और निकला और ये अगर भोलेनाथ अगर रक्षक बना तो क्या कुछ हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस पोस्ट में और भी कहा गया कि सुशांत हमेशा था हमेशा रहेंगे। अब पता नहीं कि इसके मतलब क्या है, शायद अगर आपको समझ में आए तो आप कह दीजिएगा। और उसी के साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इस पोस्ट के रिगार्डिंग, इस पोस्ट में जगह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने सबसे पसंदीदा चांद के पास है। पर अगर आपको पता है, और जैसे कि मैंने मेरी कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था कि नासा का मून मिशन चल रहा है और नासा का जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट भी पृथ्वी पे आ गया है, मतलब नासा का एक मून मिशन कंप्लीटली चल रहा था इन टाइम पे, जो कि ये पोस्ट भी था 6 दिन पहले और नासा का ये मून मिशन भी था, ये 6 दिन पहले तक पूरा एक्टिवली चल रहा था। मतलब मैं कुछ जोड़ना नहीं चाहता हूं, बस
ये थिंकिंग करना चाहता हूँ, ये एज्यूम करना चाहता हूँ मेरे अंदर खुद से ही कि काश कुछ पॉजिटिव हो, हम कुछ पॉजिटिव देखें, पर दिल जो है वो हमेशा अपना ही सुनता है, किसी का भी नहीं सुनता, तो जिसके कारण वो कुछ और ही कह रहा है। तो छोड़िए वो बात को, जो कि इस जो पोस्ट था, इस पोस्ट को मैं आप लोगों के सामने रखा कि इस पोस्ट के जरिए मुझे कम से कम थोड़ा सा एनर्जी मिला कि अगर कुछ भी हुआ, अगर भगवान ऊपर वाला कुछ चमत्कार करे, कुछ मैजिक करे, अगर कुछ हुआ, अगर हम फिर से वो 6 फुट लंबा वो आदमी मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर हम फिर से देख सके, तो जिंदगी में सही में भगवान के प्रति ये जो विश्वास है वो अटूट हो जाएगा और भी। और साथ ही साथ भगवान के प्रति ये अटूट भरोसा तभी भी बना रहेगा अगर सुशांत भाई को जस्टिस भी मिल जाए, यानी दोनों में से कुछ एक कर दो मैजिक भगवान। पर साला अली खान की जो पोस्ट है कि सुशांत अपने पसंदीदा चांद के पास है और वो भी चमक रहा है, और नासा का जो मिशन है वो ऐसे ही टाइम पे हो रहा है, जो कि सब कुछ एकदम हम पंच कर दिए, और पंच करके दिमाग में कुछ अजीब गरीब ख्याल आ रहा है, क्योंकि ये चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि सुशांत के साथ नासा का कोई रिश्ता नहीं था, ये आप प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बहुत सारे करोड़ों लाखों प्रूफ हमारे हाथ में है जो कि चुटकी में बता देगा कि सुशांत सिंह राजपूत नासा से ट्रेनिंग लिया था, जो कि आपको भी पता है। पर पता नहीं कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्या ये पोस्ट ऐसे ही लिखा गया था या फिर इस पोस्ट के पीछे कोई एक सच छुपा हुआ है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों से लूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि चारापोना का वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते पर चारापोना को कहीं ना कहीं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चारापोना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।